identical particles of mass m carry a charge q each. Initially, one is at rest on a smooth horizontal plane and the other is projected along the plane directly towards the first particle. ठीक है, अभी smooth plane और horizontal, ये plane जो है smooth भी horizontal भी है, इनका significance आएगा. ठीक है, सब ध्यान देना, large distance. ठीक है, तो ultimately एक smooth plane है horizontal, उसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज से सेपरेटेड है बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, दोनों रेस्ट पे, मतलब ये रेस्ट पे है और ये इसके तरफ मतलब लाइन जॉइनिंग दिस, उसके अलोंग इसको फेंका गया दूसरे चार्ज को. दोनों का मास एम है, चार्ज को कितने स्पीड से फेंका गया, स्पीड वी से फेंका गया. ठीक है, तो ऑफकोर्स ये स्मूथ है तो ये सेकेंड चार्ज भी चलने लगेगा. समझ में आ रही बात, क्योंकि पहला चार्ज उसको रिपेल करेगा तो वो भी चलेगा. ठीक है, तो द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो इनके बीच का क्लोजेस्ट, ये सब इनिशियल सिचुएशन है आपका. ठीक है, फाइनल सिचुएशन में प्लेन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, खाली चार्जेस को ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो मान लो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है डी. ठीक है, अब क्लोजेस्ट अप्रोच के वक्त दोनों का स्पीड, स्पीड क्या है, वेलोसिटी सेम होगा. ठीक है, ये हम लोग काइनेमेटिक्स में प्रूफ करेंगे, है ना. मोस्टली इसका जरूरत वहां पे आएगा जब SHM में ऑसिलेटिंग ब्लॉक्स रहेंगे, वहां पे इसका मोस्ट पॉपुलर, वहां पे शायद पहला एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अब मैं आपको बहुत रूडिमेंट्री एक्सप्लेनेशन इसका दे सकता हूँ कि ये चार्ज देखो इन्फिनिटी से आ रहा है और ये चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा. ठीक है, तो इसका स्पीड अभी जीरो है, तो कुछ देर बाद आप देखोगे तो इसका स्पीड बढ़ गया होगा, है ना. तो अभी इसका स्पीड कम है, सपोज ये टू से जा रहा है, ये फाइव से जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये रिपेल हो रहा है इस तरफ, लेकिन ये रिपेल हो रहा है इस तरफ, तो इसका वेलोसिटी जिस तरफ है उसी तरफ इसका एक्सेलेरेशन है, लेकिन इसका वेलोसिटी जिस तरफ है उसके अपोजिट इसका एक्सेलेरेशन है. मतलब अल्टीमेटली दिस इज स्लोइंग डाउन, इसका स्पीड घट रहा है लेकिन इसका स्पीड बढ़ रहा है. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर एक 50 से स्टार्ट किया था, एक जीरो से स्टार्ट किया था, ये नंबर घटते घटते कभी ना कभी 25 होगा और ये नंबर बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 25 होगा. ठीक है, और इस मोमेंट के बाद ये घट के फिर से 24 हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इस समय जब दोनों का स्पीड सेम होगा, याद रखना सेम होने से पहले तक इसका ज़्यादा है पीछे वाले का, और पीछे वाले का ज़्यादा है मतलब वो कैचअप कर रहा होगा. ठीक है, और जैसे स्पीड सेम हो जाएगा उसके वजह से कैचअप करना बंद, क्योंकि पीछे वाला स्लो हो गया, आगे वाला फास्ट हो गया. ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन इसका, वो मान लो. तो यहाँ पे क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब होगा उस समय दोनों का वेलोसिटी सेम होगा. ठीक है, तो ये आपका इनिशियल स्टेट था, ये आपका फाइनल स्टेट है ना. तो आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही तो पूछा है. ठीक है ना, अब स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या मतलब है वो देखो. स्मूथ प्लेन है मतलब फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं है. ठीक है, यानी ये चार्ज जो है सेकेंड वाला चार्ज और इनफैक्ट फर्स्ट चार्ज, इन दोनों पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. हाँ, इस केस में एक्सटर्नल फोर्स होंगे, लेकिन वो लोग ऐसे डायरेक्शन में कि हमें मतलब नहीं है, नॉर्मल और एमजी वो लोग तो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहते हैं, उससे हमें मतलब ही नहीं है. ठीक है, इसलिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इसलिए बोला ताकि एमजीओ का कॉम्पोनेंट ना आ जाए मोशन वाले प्लेन के. ठीक है, बस यही था सिग्निफिकेंस का. तो आपको क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसमें सबको एक्स का वैल्यू पता करना है. ठीक है, जो भी इस एक्सप्रेशन में एक्स है उसका वैल्यू पता करना है, यानी क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालना है, उसको इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी लिखो, फिर से कहीं फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो एनर्जी को इक्वेट करेंगे, तो एनर्जी से होता है खाली काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है इनिशियली. ठीक है, और फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है. अब चलो इनिशियल स्टेट में वी स्पीड था, तो फाइनल स्टेट में वी नहीं मानेंगे, कुछ और मानते हैं, यू मान ले रहे. ठीक है, कन्फ्यूज मत होना कि सर यू तो इनिशियल होते, वैसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो देखिए फाइनल स्टेट में दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो दो बार हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर आएगा. ठीक है, इनिशियल स्टेट में एक रेस्ट पे था, तो एक टर्म आया था काइनेटिक एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी तो पेयर के लिए होता है, अब इस पेयर के बीच का सेपरेशन डी है, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, जो कि दोनों ही क्यू है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी कहते हैं. ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट भी कर दो, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को, तो आपके पास दो अननोन है, डी भी नहीं पता, यू भी तो नहीं पता. ठीक है, दोनों यू तो सेम है, तो डी भी नहीं पता, यू भी नहीं पता, दो अननोन है, एक इक्वेशन है. इन दोनों को इक्वेट करोगे तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक इक्वेशन और चाहिए, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, एक इक्वेशन और चाहिए, या प्रीवियस का प्रीवियस क्वेश्चन मुझे याद नहीं है. दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखो सिस्टम का, तो इनिशियल मोमेंटम है एम वी राइट के तरफ प्लस जीरो राइट के तरफ, तो टोटल एम वी राइट के तरफ हो जाएगा. ठीक है, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा पहला पार्टिकल का इतना, दूसरा का भी इतना, टोटल हो जाएगा टू एम यू राइट के तरफ. तो इन दोनों को इक्वेट करो,
तो एम वी राइट के तरफ और 2mu राइट के तरफ, उनको इक्वेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, एम वी राइट के तरफ और 2mu राइट के तरफ। तो डायरेक्शन तो ऑफकोर्स इक्वल है यहाँ पे, खाली मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो। ठीक है, तो आपके पास v का वैल्यू क्या है, 2u। ठीक है, और दूसरा जो ई आई इक्वल टू ई एफ करोगे आप, दोनों एनर्जी, दोनों स्टेट्स में जो एनर्जी है उसको इक्वेट करोगे, तो ई आई तो है देख लो ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर, और वो उधर है हाफ, ये कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू टू, यानी एम यू स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बाई डी, एम यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई डी, एम यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई डी। ठीक है, तो ई आई इक्वल टू ई एफ ये है ना। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लेते फिर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालने के लिए क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना होगा, और हमारे इक्वेशन में क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग किसको बोल रहे हैं, डी को बोल रहे हैं, तो हमें डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें डी निकालना है, और यहाँ पे एक अननोन और है, क्या है, यू, यू हमें नहीं पता ना, तो यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू का वैल्यू कितना है, वी बाय टू, उसको यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यू का वैल्यू वी बाय टू, तो इसको उधर भेजेंगे तो एम वी स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डी, और डी को उस तरफ करेंगे तो फोर के क्यू स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, फोर के क्यू स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो अगर यहाँ पे मैं इसको साफ करूँ आपको दिखाने के लिए, ये जो एक्सप्रेशन था ये है एक्स, इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं हम लोग, ये एक्सप्रेशन देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो x q स्क्वायर बाय, याद रखना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन को आप k बोलते हैं ना, तो k को ऊपर भेज दो, एम वी स्क्वायर। ठीक है, यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और आपने क्या निकाला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 4 k q स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को इक्वेट करें तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, आपसे एक्स के वैल्यू पूछा था, एक्स के वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 171। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 172, ये हो गया, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यही रहने देते हैं। यहाँ पे हॉलो स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो इज शोन इन फिगर, अच्छी बात है, बी का वैल्यू 2a है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आपको दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है, तो उस एक्सप्रेशन में जो आपको एक n दिख रहा है, n का वैल्यू क्या है, यानी अल्टीमेटली आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, कोई भी पाथ ले लो a से b तक जाने का, और उस पाथ के लॉन्ग e डॉट dr का इंटीग्रेशन कर लो, यही तो होता है। ठीक है, तो हमें a से b जाने का कोई पाथ लेना होगा, तो हमें a से b जाने का सबसे सिंपल पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ ये ले लो, a से b मैं इस पाथ के लॉन्ग जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फिगर देखते रहो, है ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ए से भी जाते वक्त ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आपके पास चार्ज डेंसिटी आपको रो दिया हुआ है, आपको पता है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता है ना। लेकिन आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है। ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी स्फेरिकली सिमेट्रिक का केस होता है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसा चार्ज डेंसिटी सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करे और किसी पे नहीं, उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेडियस की पावर क्या है, जीरो है। ठीक है, डेंसिटी हर पॉइंट में कांस्टेंट, ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक ही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर विल बी इक्वल टू के टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। याद है ना, ये एक्सप्रेशन में हमेशा बोलता है, सब गॉस लॉ से आराम से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू के इंटू चार्ज इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स अब देखो यहाँ पे मैं अगर इन दोनों स्फीयर्स को ड्रॉ करूँ, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ,
ठीक है, तेरा गलत हो गया है ना। तो मुझे यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगा ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड है। तो ई डॉट डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली ई डी आर करना है। ई डी आर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ठीक है, कॉस 0 1 होता है ठीक है। तो आपको सिंपली ई डी आर करना है ना। अब यहाँ पे हम लोग सब आर के टर्म्स में बोल रहे बार बार, तो इसको मैं आर कर देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर को आर बोल रहा हूँ मैं बार बार ठीक है, एक्स नहीं रखते, आर रखते, बस यही फर्क ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब पॉइंट ए के लिए याद रखना आर के टर्म्स में पुट करना होगा, इंटीग्रेटिंग लिमिट्स, इंटीग्रेशन का लिमिट्स। तो पॉइंट ए के लिए आर का वैल्यू क्या है, पॉइंट ए के लिए आप देखो, पॉइंट ए के लिए आर का वैल्यू कितना है, ए है, और पॉइंट बी के लिए आर का वैल्यू क्या है, बी है, ए टू बी ठीक है। समझ में आई बात। अब हमारा एक ही काम है सम हो एक क्यू आर निकालना ठीक है। अब आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो क्यू आर निकालने का सबसे तरीका क्या है, यहाँ पे देखो अगर ये आर रेडियस है इसका ठीक है, ये रेडियस अगर आर है, तो मुझे ये वाला शेडेड पोर्शन में तो चार्ज है ना, आपको पता है अंदर वाला तो खोखला है, तो ये वाला शेडेड पोर्शन में इतना चार्ज है वो लिखना होगा, क्योंकि आर रेडियस वाला स्फीयर आप ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर सिर्फ शेडेड पोर्शन में तो चार्ज आएगा, क्योंकि व्हाइट वाला पार्ट तो खोखला है ठीक है। तो आपको इसमें चार्ज निकालना है, उसको आप तो ये ड्रॉ करोगे ठीक है, क्योंकि ये रेडियस आर आपको पता है ना। तो ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, शेडेड पार्ट का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³ − a³, क्योंकि ये छोटा वाला स्फीयर का रेडियस ए है, और ये बड़े वाले का जो मीडियम इंटरमीडिएट साइज का है उसका रेडियस आर है। कलर चेंज करूँ तो नहीं दिख रहा आपको अभी भी, ठीक है ये आपका आर है ना, ब्लैक से दिखना चाहिए चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो भी है आपको यहाँ दिख रहा है, इतना दिख ही रहा है कि मैं बोलना चाहता हूँ तब से ये रेडियस जो है फ्रीज हो गया, जो भी है ये वाला जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये जो इतना बड़ा एरो है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एरो, ये आपका आर है ठीक है। तो शेडेड पार्ट का वॉल्यूम तो आपको पता है दोनों स्फीयर का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो क्यू आर आपका यही है इस केस में ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को मैं नीचे लाता हूँ ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम है ना। यही आपका क्या था, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डेल्टा भी यही है ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू तो आपने ऊपर देख लिया, क्यू आर का वैल्यू कितना था, रो 4/3 π, ये आपका क्यू आर है। अगर रेफरेंस डायग्राम देखना है तो ये ए है, ये आर है, और ये बी है। मैं तब से इस पार्ट में जो चार्ज है उसको क्यू आर बोल रहा हूँ ठीक है। तो आपको शेडेड पार्ट का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा चार्ज डेंसिटी ठीक है। तो K³ r² dr, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, और बी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a ही है ठीक है, बी का वैल्यू 2a है ना ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं अब। K को आप क्या लिख सकते हो, K को लिख सकते हो 1/4 πε₀। तो 4π गया, ρ/3 ε₀ तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, अंदर में बचेगा r − a³ की पावर, ये इसको सॉरी कंट्रोल जेड, इसको आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू टू ए, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो पूछा गया था क्वेश्चन में ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस हो गया अपना प्रॉब्लम बन गया है। अब जिसको इंटीग्रेशन आता हो उससे क्वेश्चन बन जाएगा, इसका हो जाएगा −1/-1 जो कि इसको प्लस कर देगा ठीक है। इसमें लिमिट पुट करना होगा ए टू टू ए, लिमिट पुट करेंगे तो 2a² − a² / 2, और a³
वन बाय टू है माइनस, ठीक है लिमिट पुट कर दी तो ये है, तो फोर माइनस वन थ्री, प्लस ए क्यूब इंटू ये माइनस वन बाय टू ए आएगा इंटू रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ए से एक पावर रिजेक्ट के यहाँ टू बचेगा, तो ए स्क्वायर बाय टू थ्री ए स्क्वायर बाय टू यानी ए स्क्वायर बाय टू बचेगा, तो रो ए स्क्वायर बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा वी आया, और क्वेश्चन के मुताबिक डेल्टा वी का वैल्यू अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन के मुताबिक डेल्टा वी कितना है, रो ए स्क्वायर बाय एन एप्सिलॉन नॉट, तो ये दिया हुआ आपको रो ए स्क्वायर बाय एन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रो ए स्क्वायर रो स्क्वायर क्या, तो एन का वैल्यू आपको 6 मिल रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 172। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 173। ठीक है, हाँ ये हो गया, सॉलिड वाला बचा है। अ सॉलिड कंडक्टर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज क्यू सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं हम लोग ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो आपके पास एक सॉलिड वो है स्फीयर, और उसको एक कंसेंट्रिक दूसरा स्फीयर सराउंड कर रहा है। ठीक है, अब जो सॉलिड स्फीयर है उसका चार्ज है क्यू। ठीक है, याद रखना कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होगा, ध्यान देना है ना, और ये है अनचार्ज। ठीक है, ये अनचार्ज है, दिस इज अनचार्ज, तो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज जो कि सॉलिड है क्यू है, जो कि उसके सरफेस पे ही होगा, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, और बाहर वाला तो अनचार्ज है। ठीक है, तो आपको बोल दिया गया कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट। अब इनके बीच में अगर पॉइंट भी नहीं बताए तो कोई टेंशन नहीं, कंडक्टर्स के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो आप इनर स्फीयर का कोई पॉइंट ले लो, आउटर स्फीयर का कोई पॉइंट ले लो, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट। ठीक है, इफ द शेल इज नॉ गिवन चार्ज माइनस 3 क्यू, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट है, तो x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अभी याद रखना आउटर वाला अनचार्ज है ना। अब बोला जा रहा है कि अगर आउटर वाले को चार्ज कर दे हम लोग, आउटर वाले को अब चार्ज कर दिए, कितना दे दिए, माइनस 3 क्यू दे दिए, इनर वाले में भी क्यू है, तो अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पहले इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था 30 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, चलो अब इस चीज़ को ध्यान दो एक बार, याद रखना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के, अगर आप ये दोनों पॉइंट चूज किए, सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज किए, तो यहाँ से यहाँ जो पाथ आप कोई पाथ से जा सकते हो। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों कनेक्ट करने वाला कोई पाथ से सकते हो, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहा हूँ। ठीक है, याद रखना हर पाथ के थ्रू इंटीग्रेशन सेम आएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ में आपका मैथमेटिक्स हल्का रहेगा, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ लेते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जो भी है, यहाँ भी तो वही सब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आउटर स्फीयर में जो माइनस 3 क्यू चार्ज है भी, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का अगर चार्ज रहे, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म का, उसके कारण इंटीरियर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जीरो होता है। आपको पता है यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके कारण इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लो आप, तो इस पॉइंट पे, जैसे पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली ड्यू टू चार्ज क्यू। ठीक है, अब सेम पॉइंट ए आप यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ भी पॉइंट ए है, वही पॉइंट, सेम पॉइंट, तो यहाँ आप लिखना चाहते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर स्फीयर आएगा, इनर स्फीयर में चार्ज कितना है क्यू, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर स्फीयर आएगा, ये सही बोले हो आप यहाँ तक, लेकिन आउटर स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटीरियर पॉइंट पे जीरो होता है। ठीक है, तो यानी हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे, सपोज लेट अस कॉल अ पॉइंट ए, है ना, तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में जब आउटर स्फीयर चार्ज भी हो गया तब भी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी अदर पॉइंट, है ना, पॉइंट ए कुड हैव बीन एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ए कोई पॉइंट ले सकते थे यहाँ से यहाँ के बीच में, है
है ना, कहीं भी ले सकते थे पॉइंट, तो सबके लिए यही कहानी है। यानी यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट जब यहाँ पे लोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। यानी ई डॉट डी आर करते वक्त हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले केस में था वही सेकेंड केस में भी है, तो इंटीग्रेशन भी सेम ही आएगा, तो यानी डेल्टा वी का वैल्यू भी सेम आएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना है 30 है, थ्योरेटिकल था एकदम। आप आउटर स्फीयर को -3Q क्या -3 लाख Q दे दो, फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके कारण इंटीरियर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ही आपको चेंज इन पोटेंशियल देता है, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये था 173, है ना। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 174, ये हो गया, ये हो गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैविटी ऑफ रेडियस आर इज प्रेजेंट इनसाइड अ सॉलिड डायलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। द हाँ चलो एक काम करता हूँ, मैं ये स्फीयर वाले पार्ट को अलग से आपको दिखाता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे एक वही कैविटी है, कैविटी का रेडियस आपको देख सकता है, स्मॉल आर दिया गया है, ठीक है। और ये कैविटी का सेंटर और ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ए दिया हुआ, ठीक है। कैविटी का सेंटर को पी बोला गया है, ठीक है। तो अब आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, ठीक है। आपको याद होगा कि अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का यूनिफॉर्मली चार्ज कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, डायलेक्ट्रिक है तो नॉन कंडक्टिंग ही है ना, उससे आप अगर कोई पार्ट काट लेते हो तो जो कोई पार्ट, मतलब कोई पार्ट नहीं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा पार्ट है, स्फेरिकल शेप का कैविटी अगर देते हो इसमें, तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मत बोलो, यूनिफॉर्म बोलो, ठीक है। फिर से उसी कारण से यूनिफॉर्म यूज करते हम लोग, स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे सेम रहे, है ना। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी इज सेम, ठीक है, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल सकते हो सिंपली, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी होता है रो, जो इसका चार्ज डेंसिटी ओरिजिनल स्फीयर का, रो बाय 3 ε0 इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो है ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही मुझे लिखना है, या डायरेक्शन भी लिखना है, तो डायरेक्शन आपका होता है ओपी के डायरेक्शन के अलॉन्ग ओपी, ओ से पी के डायरेक्शन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, रो ए बाय, गॉस लॉ से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ये पता है हमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओ से पी के डायरेक्शन में, अगर आप ओ से पी वाला डायरेक्शन देखो तो ओ से पी वाला डायरेक्शन तो ये है ना, ये है ओ से पी वाला डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो फोर्स ऑन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही लगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तो रेस्ट से स्टार्ट किया है ना, दिस इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो वो याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट किए और उसका एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रेस्ट से छोड़ रहे हो या रेस्ट से स्टार्ट किया, उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन पास होता है, ठीक है, आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं पहुंच जाए कैविटी के अंदर एज लॉन्ग एज, तो उसका उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगे वो भी कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलेगा। अब ऐसे केस में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये कैविटी के अंदर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे भी अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, मतलब ऐसा कुछ फोर्स लग रहा होगा, एरो को इतना ही बड़ा बनाओ, मैं तो डायरेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ फोर्स लगेगा और इसी पाथ के अलॉन्ग जाने वाला है, ये जो ब्लैक लाइन जिसके ऊपर मैं बार बार ये पेन चला रहा हूँ, इसी पाथ के अलॉन्ग जाने वाला है, स्ट्रेट लाइन, सिंपल, ठीक है। आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ से स्टार्ट करके दूसरे एंड में कब पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 45, ये जो एंगल है थीटा,
ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्रीज, ठीक है, आपको रो वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। अब खाली कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको मैं खाली कैविटी के अंदर वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, है ना, आपको ये कैविटी है, इतना अच्छा सर्कल आज तक नहीं बना, बस पहली बार बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, खाली कैविटी को मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट, आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एंगल आपको बोल दिया था क्वेश्चन ने 45 है, तो आप पता कर सकते हो यही 45 होगा, ठीक है, ये 45, यही 45, क्योंकि रेडियस रेडियस इक्वल है, तो ये 90, ठीक है। बोलने की बात ये कि अगर ये आर है, ये आर है, तो ये पाथ लेंथ जो चलने वाला इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाएगा, टकराने से पहले कितना चलने वाला है, रूट टू आर, ठीक है। तो हम लोग एस इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस रेस्ट से स्टार्ट किया तो यू तो जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, और एस का वैल्यू कितना लेंगे, रूट टू आर, है ना, ठीक है। अब आपको क्या पूछा था, आपसे पूछा गया है, सॉरी आपसे पूछा है आफ्टर टाइम, टाइम ही पूछा एक्सेस में, ठीक है, मैं वाला पार्ट में डायग्राम लिख दिया हूँ, लेकिन टाइम ही पूछा, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू को दिख रहा है टू रूट टू आर डिवाइड बाई एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड, है ना। अब एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, चार्ज एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह सब तो पता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस ही इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई डिवाइड बाई मास, तो ये हो गया टाइम आपका, ठीक है, टू रूट टू आर बाय ए, वही आप टाइम इक्वल टू टू एस बाय ए करते थे ना, वही किया होगा, टू एस बाय ए, ये आपका एस है, ठीक है। तो इसको यहीं कैलकुलेट करता हूँ, टू रूट टू आर डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कितना है, ई बाय एम, ई बाय एम, ठीक है। अब ऑल दैट रिमेन्स इज राइट टिंग द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं ऊपर लिखा था आपको याद हो तो, यहाँ पे कितना था, रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन उसको यहाँ पुट करते हैं, रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो थ्री एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ जाएगा, रो ए नीचे रहेगा, तो आपका टाइम टेकन इतना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आपको टाइम टेकन कितना बोला है, ये बोला है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वेश्चन में कितना बोला गया ये, तो इसको मैं क्वेश्चन को नीचे लेते आता हूँ ताकि कंपेरिजन हो सके अपना, ठीक है। तो आपको बोला गया आफ्टर टाइम दिस, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दो, पी रूट टू एम आर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई ए रो का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि पावर हाफ है, तो आपको पी का वैल्यू निकालना है, ये जो पी है, ठीक है, तो वही कंपेयर करो दोनों तरफ, स्क्वायर कर दो आप, तो आपको दिख ही रहा है ई ए रो गया, एप्सिलॉन नॉट गया, रूट टू से रूट टू गया, एम आर गया, तो मुझे तो यहाँ तक दिख रहा है पी का वैल्यू 6 आया, ठीक है,